हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। श्री महावीर जी में 10 इंच बारिश, सीकर में जमकर बरसे बादल। राजस्थान में 2 दिन के अंतराल के बाद फिर से सक्रिय हुआ मानसून कई इलाकों को जमकर भिगो रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार सीकर जिले में शुक्रवार को करीब 1 घंटे तक जोरदार बारिश हुई, वहीं करौली जिले में गुरुवार पूरी रात बारिश का दौर चला। इससे जिले में कई जगह जल भराव की बड़ी समस्या हो गई। करौली के श्री महावीर जी में तो शुक्रवार को सवेरे तक बीते 24 घंटों में 10 इंच से ज्यादा पानी गिरा। यहां 268 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में गत 3 दिन से रुक रुक कर बारिश का दौर चल रहा है। जयपुर में मौसम सुहावना बना हुआ है। मानसून विभाग ने राजस्थान में फिर से सक्रिय हुए मानसून को लेकर सीकर, अजमेर और नागौर में भारी से भारी बारिश की चेतावनी दी थी। उसके बाद सीकर जिले में सवेरे करीब 9 बजे से जिले के अलग अलग इलाकों में बारिश का दौर शुरू हो गया। सीकर शहर में करीब 10 बजे जोरदार बारिश शुरू हुई, जो करीब 11 बजे तक चली। इससे शहर की सड़कों पर पानी का दरिया बह निकला। करौली में 10 घंटे चला बारिश का दौर। वहीं करौली जिले में गुरुवार रात करीब 8 बजे जोरदार बारिश का दौर शुरू हुआ, ये करीब 10 घंटे तक चला। शुक्रवार सवेरे करीब 6 बजे बारिश थमी। शुक्रवार सवेरे तक बीते 24 घंटे के दौरान जिले के श्री महावीर जी में सर्वाधिक 268 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि काली सील पर 83 मिलीमीटर, मंडरायल में 74 और करौली जिला मुख्यालय पर 44 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। बारिश से श्री महावीर क्षेत्र के बछेड़ा, भंगो, टोडोपुरा, कोठरी कोठरा, पालनपुर, मोठियापुरा सहित कई गाँव व आसपास के इलाकों में जबरदस्त पानी भर गया। करौली के टोड़ा भीम क्षेत्र में हुई भारी बारिश से कई घरों में भी पानी घुस, बारिश के कारण खेत पानी से लबालब हो। जागरूक टीवी की जयपुर से खास